चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप 10 सेकंड में ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, कुछ तो ऐसे है जो 5 सेकंड में ही आप सोल्व करेंगे लेकिन बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले ट्रिक की तरफ बढ़िए। तो जब दो अमाउंट गिवेन हो, मतलब कोई अमाउंट जो है 2 साल में इतना हो जाता हो या 10-12 साल में इतना हो जाता हो, मतलब दो दो अमाउंट और दो दो टाइम दिया हो, तो बताइए कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा जो 6200 हो जा रहा है इतने टाइम में और 7400 हो जा रहा है इतने टाइम में जब हो, और दो अमाउंट गिवेन हो तो उसका आप क्या है प्रिंसिपल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अमाउंट 2 × T1 ठीक है माइनस अमाउंट 1 × T2, यानी कि पहले अमाउंट का दूसरे के टाइम से और दूसरे अमाउंट का पहले के टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक, और डिवाइडेड बाय टाइम 1 और टाइम 2, दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी कि पहले में अमाउंट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकालिए और लास्ट में दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालिए। देखिए कैसे उसे प्रिंसिपल निकल जाएगा और लिटरली बहुत आसान है। क्या था आपका जो है वो साफ है कि 6200 इन 2 ईयर्स, तो 6200 जो है ये अमाउंट वन है, अमाउंट वन को आप मल्टीप्लाई कीजिए टाइम टू से, टाइम टू कितना था 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, तो 6200 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 6200 × 3 कितना हो जाएगा 18600, ठीक है 18600 माइनस, अब जब 7400 अमाउंट टू जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो कितना हो जाएगा 14800, दोनों का डिफरेंस कितना 3800, और डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस कितना बच जाएगा 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 3800, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3800। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो 3800 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी में 3800 नहीं है। या फिर इस पर यह भी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि 3800 और जितना रेट दिया है इससे आप अमाउंट फाइंड कर लीजिए कि क्या वो अमाउंट 6200 आ सकता है या नहीं। तो पी प्रिंसिपल 3800 × रेट 31.57 × टाइम 2 ईयर्स लगाइए और जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और उसमें 3800 ऐड करेंगे तो वो अमाउंट 6200 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इससे भी बना सकते हैं या फिर आप ये जो ट्रिक है इससे भी बना सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आपको क्वेश्चंस में ऐसा कुछ गिवन मिले चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो पहला तो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी रहेगा तो क्वेश्चन में तो गिवन रहेगा कि हाँ अभी रहे उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको जब भी वैल्यू ऐसा दिया 1.42576 ऐसा जब भी, तो आपको क्या करना है इसमें से माइनस वन कर लेना है और ऊपर जो अमाउंट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट निकल जाएगा। आपको कहें कि नहीं उसे रेट पूछेगा तो रेट का मतलब होता है 100, तो उसे सीधे 100 से माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कुछ नहीं गिवन रहेगा। तो क्या है कि 1.42576 ये जो दिया हुआ है इसमें से माइनस वन कीजिए और ऊपर जो अमाउंट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट निकल जाएगा। और इंटरेस्ट फाइंड करने का तो और भी आसान है, कंपाउंड अमाउंट निकला उसे 1000 माइनस कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है फिर से सुनिए कि जब भी आपको ये वैल्यू दे, चाहे यहाँ पे 1 + i^12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 कुछ भी हो, उसका वैल्यू जब गिवेन रहे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप क्या कीजिए कि उसमें से वन माइनस कीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 1000 गिवेन है और नीचे 1.42576, तो देखिए 1.42576 माइनस वन मैंने कहा, ये देखिए इतना गिवेन था तो माइनस वन कीजिए, तो लीजिए माइनस वन, हो सकता है अच्छा से आपको ना दिखे, और ऊपर जो ये अमाउंट है 1000 उस 1000 से इंटू कर दीजिए इंटू 1000, कितना आया 425.76। और जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर बिल्कुल यही है 425.76, देख लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो क्या हुआ, कुछ नहीं किया हमने इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्या किया कि जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, ठीक है, वैल्यू जो दिया हुआ है 1+i रहे या 1-i जो भी रहे, तो उसमें से माइनस आपको 1 कर लेना है और माइनस 1 करने के बाद ऊपर वाले अमाउंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, जो ये अमाउंट है दिखा देते हैं फिर करके, 1.42576 माइनस 1 और जो ऊपर अमाउंट है वो 1000 है, तो इंटू 1000 कर दिए तो आ गया आपको 425.76, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 425.76। अब आप कहेंगे नहीं नहीं हमें अमाउंट पता करना है, तो कुछ नहीं इसमें जो है वो प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको ऐड कर दीजिए, तो प्लस 1000 कर दीजिए 1425, ऊपर वो भी आ गया है 1425। तो ये जो था वो सिंपल ट्रिक था कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आ गया ये, एक और बताते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, देखिए एक और जो है वो एग्जांपल नंबर 16 है जिसमें सिंपली ये पूछा था, इसमें दिया ही नहीं है ऊपर अमाउंट ही नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी ऐसा वैल्यू गिवेन रहे कि गिवेन दैट दिस दिस,
तो उसमें से माइनस वन कीजिए और ऊपर अमाउंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहीं अमाउंट ही नहीं है, सीधे बोला कि डबल ट्रिपल ऐसे, और पूछ क्या रहा है रेट, और रेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें रेट मिलती है, सिंपली 100 से ही करते हैं। तो माइनस वन करके 100 से कर दीजिए, वैल्यू तो ऊपर है नहीं तो सीधे, तो ये लीजिए 1.10 कितना है 40 माइनस वन इंटू कुछ है ही नहीं वैल्यू तो 100, तो कितना रहा है 10.409 यानी कि 10.41। तो जो आंसर है वहाँ पर देखिए 10.41, समझ के ये वैल्यू गिवन रहेगा तब ऐसा करना है, कब, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी मैं एन्यूटी में भी आपको ले जाऊँगा कि जब उसमें वैल्यू गिवन रहेगा तो आप क्या करेंगे। एक सेकेंड, एन्यूटी, हाँ अब ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, इससे पहले इस इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर 26, ये एन्यूटी का है, ठीक है, किसका है, एन्यूटी का। और एन्यूटी में हम जानते हैं कि हमें 1+i जो होता है इंटू 1+i-1 उसमें डिवाइडेड बाय भी हम इंटरेस्ट से करते हैं, फॉर्मूला ही है हमारा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि 1+ अमाउंट इंटू 1+i^n-1, तो उसका हम वो लगाएं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय आई करना है, तो एन्यूटी में हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय आई। अब आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सिंपली माइनस वन कर रहे थे, ऐसे वैल्यू गिवन था तो, और इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, माइनस वन जो करेंगे ना इसमें, उसमें थोड़ा सा जो है इसमें इसमें से भी माइनस वन कर लेंगे, दोनों में से, मतलब इंटरेस्ट में से भी माइनस करेंगे और जो वैल्यू गिवन है उसमें से भी माइनस करेंगे। ये भी सिंपल ही है, मैं पहले क्या कर रहा था, अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है तो क्या करता मैं कि जो 2.503 है उसमें से माइनस वन कर लेता, तो कितना बचता 1.5023, इतना बचता 1.5023, और डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर देता 500 से 500, तो कितना आ जाता मेरा, इतना 751.15, ये क्या आ जाता इंटरेस्ट मेरा इतना आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि इसको तो आप माइनस वन कीजिए ही, साथ में इसको में से भी माइनस वन करके डिवाइड कर दीजिए। कैसे, देखिए 2.5023 को में से माइनस वन करेंगे कितना बचेगा 1.5023, ये बचेगा। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसमें से भी अब माइनस वन कीजिए, 1.14 जो गिवन है इसमें से भी माइनस वन, तो कितना बचेगा 0.14, चलिए डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी कितना था 1.5023 आ रहा था माइनस वन करने पर, डिवाइडेड बाय इसमें से भी माइनस हटाने 0.14 डिवाइड कर दिए, इतना आ गया। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई अब 500 से इंटू 5, कितना आ रहा है 6365 आंसर में भी, मतलब आप समझे कि जब एन्यूटी का क्वेश्चन रहेगा ना, जब भी एन्यूटी का क्वेश्चन रहेगा एन्यूटी का, और उसमें ये वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आपका गिवन है और एन्यूटी का क्वेश्चन है, तो इसमें से माइनस वन कीजिए और इसमें से माइनस वन करके डिवाइड कर दीजिए इसको। पहले में क्या था कि इसमें से माइनस वन कीजिए और सीधे 10,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया। अब इसमें थोड़ा सा जो है एन्यूटी का क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे कि डिफरेंस कैसे समझेंगे, कंपाउंड वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा हर क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड एनुअली से मिल, कुछ भी कंपाउंड वर्ड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड वर्ड जब भी मिलेगा तो इसमें एन्यूटी जरूर मिलेगा आपको कि हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर एंडिंग फ्रॉम दिस ईयर, तो पहचानने को तो आप पहचान जाएंगे कौन सा एन्यूटी का है, ठीक है। तो ये तो सिंपली एन्यूटी का है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शुरू में, बाद में आप उसका वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि माइनस वन तो आप करेंगे ही, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका वैल्यू में से माइनस कर रहे थे माइनस वन, उसमें डिवाइड भी करेंगे इसमें से भी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एन्यूटी में हम आई से डिवाइड करते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालते वक्त, तो इसका जो है डिवाइडेड बाई कर देंगे इसके माइनस, इसमें से भी माइनस वन करेंगे, इसमें से भी माइनस वन कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें क्या था कि माइनस वन कीजिए इसमें डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, इसमें क्या है माइनस वन कीजिए इसमें से भी, और इसको डिवाइड कीजिए पहले इससे और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे देखिए वैल्यू 2.15 जो भी है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, हमें किसी से मतलब नहीं है हाफ ईयरली है, टू ईयरली है, थ्री ईयरली, कुछ भी मतलब नहीं है, 2.15 सीधे वैल्यू लिखिए। देखिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 2.1589250, ये हो गया, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस वन कर लेंगे, ये लीजिए माइनस वन कर लिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि एन्यूटी का क्वेश्चन, तो डिवाइड किससे करेंगे 1+0.08, तो इसमें से पहले तो माइनस वन हमको फाइंड करना होगा, जैसे कि यही ट्रिक बताया ना मैं कि इसमें से भी माइनस वन कीजिए और इसमें से भी माइनस वन कीजिए और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसमें से माइनस वन करेंगे, ये जो अंदर वाला वैल्यू है, ऊपर वाला स्क्वायर को छोड़ दीजिए, अंदर वाला जो है 1.008, तो माइनस वन करेंगे तो ये वन घट जाएगा, बचेगा क्या 0.08 डिवाइड कर दिए, इतना आ गया इनटू, अब कीजिए अमाउंट से मल्टीप्लाई 10,000 से, कितना आया
इतना आया, क्या उतना आंसर है? बिल्कुल इतना आंसर है, ये देखिए। तो जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू वाला निकालना रहे तो आप जो है वो इसी से निकाल सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल उतना ही है। और बाद में क्या इसमें पूछा है, इसमें क्या था दूसरा, कह तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी पूछा था। तो हम वैल्यू निकाल लिए पहले फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी की तरह, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, जो वैल्यू गिवन है 1.08 से, तो इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड 1.08 कितना आ गया, 156456, मतलब नीचे वाला आंसर आ गया। तो ये जो था वो ऑर्डिनरी का था, ऑर्डिनरी एन्यूटी का, तो इसलिए 1+i आता है, ये भी जानते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ हम जो समझें वो सिर्फ यही समझें कि जब भी एन्यूटी में फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा हो और कुछ ऐसा वैल्यू गिवेन हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस वन करेंगे, इसमें से भी माइनस वन करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो उससे हमारा जो है वो फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा, नेचुरली निकल जाएगा। अब उसमें ऑर्डिनरी और ड्यू का केस है जिसमें जो है वो 1+i से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसमें ऑर्डिनरी में तो 1+i से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या था कि कंपाउंड जब सिर्फ हम फाउंड कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ पे वहाँ पे तो फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का वर्ड था ही नहीं, तो जहाँ पे एन्यूटी का वर्ड था ही नहीं वहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे थे, इसमें से माइनस वन की जो वैल्यू गिवन है इसमें से माइनस वन करते थे और सीधे 500 से मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन जब एन्यूटी वर्ड आ जाए, ऑर्डिनरी जो भी आए, उसमें हमको क्या करना है, इसमें से भी माइनस करेंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी कि डिवाइड वाला जो है वो केस आ जाएगा, दो डिवीजन वाला केस आएगा, वो आएगा एन्यूटी में। एक तो कि माइनस वन इसको कीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी वैल्यू गिवन है, ऐसा वैल्यू दे दिया आपको किसी भी क्वेश्चन में, आप वहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है या एन्यूटी का है, दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कुछ मत कीजिए, उसमें से माइनस वन कीजिए, ठीक है, और वन घटाने के बाद 10,000 जैसे इसमें गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर रेट पूछ रहा है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो एन्यूटी में आया तो सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है इसमें से माइनस वन तो कीजिएगा ही, इसमें से भी माइनस वन कीजिएगा और इसमें से माइनस वन करके आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझ गए। अगला देखिए, आगे भी क्वेश्चन होगा, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये देखिए अगला जो है ट्रिक वो है ये, पहले ट्रिक दिखा देता हूँ आपको, डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाई रेट का स्क्वायर, ये कब आपको फाइंड करना है, जब देखिए आपको जब भी क्वेश्चन में दिखा लिखा हो कि SI और CI का डिफरेंस इतना है, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट दे दे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, और उसमें से जब भी आपको जो है वो प्रिंसिपल पूछे, एक मिनट, जब भी आपको उसमें से प्रिंसिपल पूछे तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, क्या है, डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाई रेट का स्क्वायर, ये कब के लिए, जब दोनों का डिफरेंस 2 ईयर का गिवन है, या फिर अगर ऐसा बोले कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस 3 ईयर का है तो उसमें क्या करना है, डिफरेंस इंटू 100 टू द पावर क्यू, क्यों, क्योंकि 3 ईयर का है, इंटू आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300, ये कर देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये जो है आप देख लीजिए, ये ट्रिक है, और टोटली जो है कैलकुलेटर पर ही आपको हम फाइंड करके दिखा देते हैं सिर्फ कैलकुलेटर पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 4 का बी का है क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है कि CISI है और दोनों का डिफरेंस जो है 3 ईयर्स का वो दिया हुआ है 110.16, देख लीजिए 3 ईयर्स वाला यूज करना है, तो कुछ कोई बात नहीं है, 110.16 है उसको हम ले लेते हैं, देखिए टोटल जो है कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, 110.16 इंटू 100 का क्यू करना है, 100 डिवाइडेड बाई, जब दूसरा क्या था, क्या करना है, आपको आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 ये करना था, तो आर कितना है, 6% रेट दिया हुआ है, 306 हो जाएगा, 306 इंटू 36, 306 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110.16 होगा, तो डिवाइडेड बाय 110.16, तो आंसर कितना आ रहा है, 10,000। ओहो बार बार 10,000, तो अब जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10,000 जो है वो डी में है, तो कितना हो जाएगा इसका प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा 10,000, समझ गए, सिंपली जो है वो कैलकुलेटर पे ही बन जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन कैलकुलेटर पे ही वो बन जाएगा,
अभी क्या है, टेम्परेचर हाई चल रहा है तो बल्ब जो है वो बार बार लो हो जा रहा है। खैर वैसे ही दूसरा क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट नहीं गिवेन है, डिफरेंस अमाउंट नहीं गिवेन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड द सी आई ऑन द 2400, यहाँ पे अमाउंट दे दिया सीधे 2400, कितना डिफरेंस होगा अगर अमाउंट दे दिया तो कुछ नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला जो है वो यही अप्लाई कीजिएगा और उससे पहले जो है वो 2400 लिख दीजिएगा। 2400 इक्वल टू डी इंटू 100 का जो है वो स्क्वायर ले लीजिएगा बाई रेट का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल है, 2 ईयर का पूछ रहा है तो 2 ईयर वाला में तो सिंपल है, डिफरेंस का डी ही रहने दीजिएगा, वैल्यू लिख लीजिएगा कितना 2400, 2400 इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, कितना है 5% है तो 5 का स्क्वायर। तो इससे जब आप ले लेंगे तो आपको जो है वो आंसर आएगा वो आएगा शायद 6, और वैसे भी आप 6 को लेकर भी बना सकते हैं।